सुग्रीव प्रणय का बंधन, चातुर दिक अभिनंदन वंदन। मुझे आप बताइए कि आप किस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मुझसे ये वचन लिया था? क्या आप मेरे उस विश्वास का लाभ उठाए जो मैंने आप पे किया था? हर पुत्री चाहती है कि विदाई के समय उसके आंसू पोंछने के लिए माँ का आंचल हो, पिता का हाथ उसके सर पर हो। देवी, ये आपके पिता हैं। आपको आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे पिताजी, और इस हाल में ये कैसे संभव है? देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। रुमा, पुत्री रुमा, कहाँ हो तुम? कहाँ है मेरी पुत्री रुमा? तुमने मेरी रुमा को देखा है? तुम्हें कहा ना, जब मेरी पुत्री मिल जाए तो मुझे बताना। रुमा कहाँ चली गई मेरी पुत्री? पिताजी, मैं हूँ आपकी रुमा, मैं हूँ। मुझे झूठ बोलती हो तुम, मेरी पुत्री नहीं हो सकती। अपनी पुत्री का आशीर्वाद छोड़ चली गई हूँ। मुझे पिताजी, मेरी बेटी, पिताजी, मारुति, ये क्या अनर्थ हो गया है पनाश के साथ? अवश्य ही अधर्म के साथ देने का फल मिला है। सत्य है काका, माता पिता का अपनी संतान पर अधिकार अवश्य होता है, किंतु उनका ये कर्तव्य भी है कि वो संतान के सुख का पूरा ध्यान रखें। सबको अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। हाँ मारुति, जिस प्रकार कोई पशु पक्षी या अन्य कोई जीव अपनी संतान को एक आयु के बाद स्वतंत्र छोड़ देते हैं, अब ये तो प्रकृति का नियम है।
इसी नियम का उल्लंघन करने से पनाश को ये दंड मिला है। किंतु महाबली काका, यदि गंधर्व राज पनाश की दशा ये रही तो वो सुग्रीव काका को शिक्षा कैसे दे पाएंगे? इस विवाह का मुख्य उद्देश्य ये था कि पनाश से शिक्षा दिलाकर सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम की सेना के नेतृत्व करने योग्य बनाना है। हाँ मारुति, किंतु एकाएक ऐसा क्या हुआ जो पनाश की ये दशा हो गई? मारुति, इंद्र ने पनाश को कुष्ठ रोगी होने का श्राप देकर धरती पर तिल तिल कर मरने को छोड़ दिया है। अपनी ये दशा देखकर पनाश अपनी स्मरण शक्ति भी खो चुके हैं। अब जब तक इंद्र स्वयं इस श्राप को वापस नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। रुति, इंद्र हठी ही नहीं दुर्बुद्धि भी है। पुत्र मोह में अनर्थ पर अनर्थ किए जा रहा है। वो देखना देखना, वो इस श्राप को कभी वापस नहीं लेगा। काका, सबसे पहले हमें पनाश को ढूंढना होगा, कहीं वो स्वयं के साथ अनर्थ न कर बैठे। तुम जो चाहते हो वो कदापि ही पूर्ण नहीं होगा मारुति। मुझसे केवल एक ही भूल हो गई कि मैंने पनाश को मात्र शाप देकर ही छोड़ दिया। उसे तो मुझे प्रणाम देवराज। गंधार, तुम्हें पनाश के स्थान पर गंधर्व लोक का राजा बनना है या नहीं? देवराज, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मेरे जीवन का एकमात्र स्वप्न है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है देवराज। तुम्हारे स्वप्न अवश्य पूर्ण होंगे मंधार, किंतु उसके लिए तुम्हें बहुत ही छोटा सा कार्य करना होगा। इस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं देवराज, कुछ भी। मंधार, पनाश का स्थान लेने के लिए तुम्हें पनाश को अपने मार्ग से हटाना होगा, उसका वध करना होगा। देवेंद्र, पनाश कोई साधारण गंधर्व नहीं है। आप देवों के युद्ध गुरु हैं। मैं तो क्या, स्वयं आप भी नहीं मार सकते उन्हें। और ये बात आप भली भांति जानते हैं देवराज। किंतु मंधार, तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि पनाश को शाप देकर मैंने उसकी ऐसी दुर्दशा की है कि वो तुम्हारा सामना तो क्या, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं है। तुम जाओ
शीघ्र ही उसकी मृत्यु का समाचार लेकर आओ जल्दी। जो आज्ञा देवराज। मैं उस वृक्ष की जड़ को ही काट कर फेंक दूंगा जिस पर मेरे पुत्र बाली की मृत्यु का फल लगने वाला है। अब मेरे पुत्र बाली का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। पिताजी, आप सब यही प्रतीक्षा करें, हम उन्हें ढूंढते हैं। चला पिताजी के बारे में? कुछ पता नहीं चला। पिताजी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं कहीं ऐसी दशा में उनके साथ कुछ अनर्थ न हो जाए। रूमा, कुछ नहीं होगा, उन्हें सब लोग उन्हें ढूंढने में ही लगे हैं, वो शीघ्र ही मिल जाएंगे। भैया, गंधर्व राज के विषय में कुछ पता चला? नहीं सुग्रीव, हमने सब जगह ढूंढा लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। देवी रूमा, हम अपनी सेना को भेजकर पता लगवाते हैं। सुग्रीव जी, आप रूमा जी को लेकर महल में जाइए। हाँ, आओ चलो। केसरी जी, कुछ लोग कहते हैं कि वे बस्ती की ओर गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे उत्तर दिशा की ओर गए हैं। आश्चर्य की बात है कि इतने शीघ्र वे कहां जा सकते हैं। चलिए। ढूंढो, कितना भी ढूंढो, अब तो तुम्हें उसका शव ही मिलेगा। कैसी अभागन हूं मैं, मेरे ही कारण पिताजी की ये दशा हुई। शांत हो जाओ रूमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। प्रेम ने मुझे स्वार्थी बना दिया था, ना ही मैं आपसे विवाह करती और ना ही आज ये सब होता। मुझ जैसी संतान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। समाप्त कर दूंगी मैं अपने आप को, समाप्त कर लूंगी मैं अपने आप को, समाप्त।
मारुति, तुमने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु ये तो सब उल्टा ही हो गया। यदि तुम मुझे स्त्री के अधिकारों के बारे में ना समझाते तो ना ही ये विवाह होता और ना ही पिताजी की ये दशा। देवी, ये जो भी हुआ है उसका दुख तो मुझे भी है, किंतु आपके पिताजी मैं या इंद्रदेव कोई भी आपके और सुग्रीव जी के विवाह को नहीं रोक सकता। क्योंकि आपका विवाह नियति द्वारा पहले ही निर्धारित हो चुका था। किंतु मेरे पिताजी के साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था। यदि वे अपनी कुकृतियों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो उन्हें भी इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा, और आपसे भी वचन चाहता हूँ कि जब तक सब ठीक न हो जाए आप स्वयं पर और अपने विवाह या सुग्रीव जी के प्रेम पर कोई आरोप नहीं लगाएंगी, उसका सम्मान करेंगी। देवी, आप पर, आपके पिता गंधर्व राज पर और आपके परिवार पर जो संकट आया है उस संकट का मोचन मैं स्वयं करूंगा। ये मेरा वचन है आपको। रूमा, हमें मारुति के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। मैंने भी मारुति के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसे सब संकट मोचन कहते हैं। भैया और भाभी के संकट का मोचन भी इसी ने किया था। पिताजी की ये दशा किसने बना दी? पिताजी, पिताजी,